नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध पोल और आप देख रहे हैं टेकजी हिंदी। दोस्तों, आज हम देखेंगे LIC का पॉलिसी का ऊपर, कैसे आप लोन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और लोन अमाउंट को आप पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसलिए मैंने LIC का जो होम पेज आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गूगल में सर्च किया हूँ LIC। LIC सर्च करने के बाद जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होम पेज है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ और LIC का जो होम पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन लोन और कस्टमर पोर्टल, ये दो ऑप्शन यहाँ पे हैं। आप ऑनलाइन लोन यहाँ पे भी क्लिक करके आप आ सकते हैं और कस्टमर पोर्टल का यहाँ पे भी आप क्लिक करने के बाद आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैंने कस्टमर पोर्टल में क्लिक करता हूँ और कस्टमर पोर्टल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर के लिए लिंक है और ये रजिस्टर्ड यूजर के लिए लिंक है। तो आपको पहले से रजिस्टर करके रखना चाहिए। तो कैसे आपका पॉलिसी को LIC पोर्टल में रजिस्टर्ड होता है, इसके लिए मेरा चैनल में दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड यूजर में क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने पहले से मेरा पॉलिसी को इस पोर्टल में रजिस्टर किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर करके यहाँ पे रोल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी और ईमेल और मोबाइल किसी का एक यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डालता हूँ, सक्सेसफुली लॉग इन हो गया हूँ। लोन के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट में। तो मैंने सर्विस रिक्वेस्ट में क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट और यहाँ पे ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस। ये आप रिक्वेस्ट करने के बाद आप रिक्वेस्ट को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्विस रिक्वेस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन, ये एक रिक्वेस्ट है, ये मैंने पहले करके रखा हूँ रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने लोन में क्लिक करता हूँ। लोन में क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक OTP आएगा आपका फोन में और आपका बैंक NEFT के अंदर आपको अमाउंट आपको बैंक में जाएगा। और यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आई एग्री में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ प्रोसीड प्रोसीड ऑप्शन एनेबल हो गया है। तो इसको मैंने क्लिक करता हूँ। यहाँ पे OTP आपका जो फोन है रजिस्टर्ड फोन में एक OTP जाएगा, तो इस OTP को तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने OTP के लिए वेट करता हूँ। जितने के बाद यहाँ पे मैंने सबमिट में क्लिक करता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है लोन ऑप्शन का अंदर मैं आ गया हूँ और यहाँ पे पॉलिसी दिखा रहा है क्योंकि मेरा बहुत सारा पॉलिसी है। मेरा तीन पॉलिसी यहाँ पे है, मेरे तीन पॉलिसी का ऊपर मैं लोन ले सकता हूँ। तो मैंने पहला पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूँ। पहला पॉलिसी को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे 17,124 लोन अमाउंट दिख रहा है। पे आप फुल भी ले सकते हैं, मतलब फुल में ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा बैंक का डिटेल्स यहाँ पे दिया दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने यस में क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ दिख रहा है लोन अमाउंट विल बी क्रेडिट टू दिस बैंक अकाउंट, यहाँ पे मेरा बैंक का डिटेल्स दिख रहा है। और इफ डिटेल्स आर नॉट करेक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट योर सर्विस ब्रांच विथ करेक्ट बैंक डिटेल्स, यहाँ पे अगर बैंक का डिटेल्स यहाँ पे ठीक नहीं है तो आप सर्विस ब्रांच के ऊपर जाकर या बैंक डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सर्विस रिक्वेस्ट मेरा चला गया है जो मेरा ब्रांच के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट ये हो गया है। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड इसको आपको चाहिए, इसको आप ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इनक्लोजर एज मेंशन इन द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो इनक्लोजर यहाँ पे है सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पे प्रिंट करके ले जाना है। और पॉलिसी लोन एप्लीकेशन, ये पॉलिसी लोन एप्लीकेशन है, इसको पॉलिसी लोन इसको भर के सिग्नेचर करके जो आपका ब्रांच है यहाँ पे जमा करना होगा। पॉलिसी का लोन रिक्वेस्ट चला गया है, 4 दिन का अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। 4 दिन का अंदर नहीं जमा करेगा तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह आपका पॉलिसी का ऊपर आप लोन ले सकते हैं, कोई किसी थर्ड पार्टी का जरूरत नहीं है। आप खुद ही जाकर नियरेस्ट ब्रांच में
या आपका होम ब्रांच में भी आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा करके आपका लोन अमाउंट आपका अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मुलाकात होगा अगले इस तरह एक नया वीडियो में।